लगातार बारिश की वजह से हिरण नदी से बहकर आई भारी शैवाल पुल के नीचे फंस गई है। शैवाल निकल नहीं पा रही है, जिससे शैवाल ने टापू का रूप ले लिया है। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? लाइफ टाइम चलने वाली 3D यूवी मार्बल की आकर्षक दीवार डेको स्टार द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, आज ही संपर्क करें। नर्मदा नदी उफान पर है, वहीं नर्मदा नदी में बहकर आई भारी शैवाल ने बरमान में टापू जैसा रूप ले लिया है, जिसमें कई मोटे पेड़ की लकड़ी भी फंसी है। दो घाटों को जोड़ने के लिए बने पुल के पास टापू की तरह जमा शैवाल प्रशासन JCB की मदद से हटाने में करीब 5 घंटे से जुटा है, लेकिन अभी भी काफी शैवाल जमा है, जिसे हटाने के लिए काफी समय लग सकता है। पहली बार नर्मदा की बाढ़ में इस तरह से बड़ी मात्रा में शैवाल आई है। नरसिंहपुर के नर्मदा नदी बरमान में देखने को मिला, इसको लेकर तहसीलदार करेली ने बताया। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया है कि जो हिरण नदी में जो शैवाल होती है, तो बारिश पिछले 2 दिनों में काफ़ी ज़्यादा हुई है, उस वजह से पूरी शैवाल और कुछ बड़े बड़े पेड़ के जो कपड़े थे वो आके यहाँ पे जो बरमान तला और बरमान खुर्द के बीच में जो पुल है उसमें आके फंस गए हैं, उस वजह से शैवाल का बहाव भी यहाँ पर रुक गया था, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा था और अभी हम लोग सुबह से प्रयासरत हैं, जिसमें से अभी पूरा मशीनों के द्वारा JCB लगाई गई है, मशीनों के द्वारा पूरा शैवाल हटा के नदी के बहाव को। सर, इसको कहाँ डिस्पोजल कर रहे हैं आप? क्योंकि तो नदी का बहाव है, क्योंकि शैवाल है, शैवाल तो नदी में ही बहती है, वो बह के निकल जाती है। पेड़ों के बड़े बड़े वो थे, टूटे हुए पेड़ थे जो कि टकराए हैं, तो जो कि पुल में फंस गए थे, इस कारण से शैवाल को। क्या सब नाम है सर आपका? विक्रम सिंह ठाकुर, नायब तहसीलदार। क्या है, माँ नर्मदा का पानी उफान पर है और ये नर्मदा मैया में बाढ़ के कारण ये जो हिरण नदी से आने वाली जो शैवाल है उसका एक बड़ा पहाड़ बन गया है पुल के चारों तरफ, जिससे पुल के ऊपर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। इस दबाव को अलग करने के लिए प्रशासन की पूरी टीम मौके पर मौजूद है, एरिगेशन विभाग के SDO साहब मौजूद हैं, यहाँ के तहसीलदार महोदय, नायब तहसीलदार साहब ठाकुर साहब भी मौजूद हैं और पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है। किन कारणों से ये पहाड़ बन गया, क्या वजह मानते हैं आप इसका? ये जंगलों में जो झाड़ वगैरह टूट के आए हैं वो झाड़ यहाँ आके पुल में फंस गए और उनके पुल में फंसने के कारण ये शैवाल उनके पीछे जमा होती है, तो ये शैवाल न निकलने के कारण पुल पे अतिरिक्त प्रेशर पड़ रहा है। इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए प्रशासन का दल मौजूद है और ये प्रेशर जैसे ही हटेगा, अभी प्रशासन ने किसी को बुलाकर ये रास्ता क्लियर किया और ये पुल दोनों तटों को तोड़ने वाला। करीब कितने घंटे से मशक्कत कर रही प्रशासन? प्रशासन यहाँ लगातार 5-6 घंटे से काम कर रहे हैं और अभी अंधेरा होने को आ गया है, लगभग पूरा दिन ही उनको कुछ देर संसाधन जुटाए और लगातार काम चल ही रहा है। सफलता मिलने का? सफलता अभी देखिए, रास्ता तो खुल गया है, पुल का कार्य कंप्लीट हो गया है और ये जो शैवाल का पहाड़ है वो भी धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है और पुल पर जो प्रेशर अतिरिक्त पड़ रहा था वो भी रिलीज होता जा रहा है और उम्मीद है रात रात तक ये शैवाल का पहाड़ भी ठीक हो जाएगा। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? दीवालों पर सिडन दीमक से परेशान हैं? तो आपके लिए माँ शारदा एंटरप्राइजेज लेके आया है आकर्षक समाधान, लाइफ टाइम चलने वाली 3D यूवी मार्बल की आकर्षक दीवार डेको स्टार द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, आज ही संपर्क करें। माँ शारदा एंटरप्राइजेज सत्यनारायण मंदिर की घटिया के सामने, पुराना स्टेट बैंक हॉल, बड़ा बाजार, सागर। हमारा मोबाइल नंबर है 7000624396, 9691987669।